पूरे एशिया में अगर किंग कंट्री राइट सेम है पाकिस्तान इज क्यों या पाकिस्तान इज बेस्ट वी लिव हियर वी ग्रू हियर इंडिया को क्यों क्योंकि वो बहुत तरक्की कर रहा है आपको पूरे एशिया में से किसी भी कंट्री में शादी करने का मौका मिले तो आप किस कंट्री के लड़के को प्रेफर करें अच्छा हो इज्जत करने वाला हो मेरी भी और मेरी फैमिली की बाकी मैं उसको खुद ही सुधार लूंगी यानी कि टेढ़ा लड़का भी हो तो आप सुधार लेंगे टेढ़ा क्यों अल्लाह माफ करे सीधा ही होगा बाकी रहती अभी आपने खुद ही तो कहा मैं सुधार लूंगी जैसा भी हो मतलब उसकी आदतें सुधार लूंगी ना टेढ़ा लड़का कौन सा होता है मुझे ये बताएं कभी देखा कोई ऐसे करके लड़का सीधा ही होते हैं लड़के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ ज़ोहब लोच और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो जी नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और आज मैं करूँगी लोगों से मज़े के सवाल पूरे एशिया में आपके हिसाब से किंग कंट्री कौन सा है कि अगर आपको चांस मिले शादी का तो आप कौन सी कंट्री के लड़के या लड़की को चूज़ करेंगे सो आइए हम लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या रह रहा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका हिफ्ज़ा ताहिर मैं शाहरुख है जी माय नेम इज़ मोहम्मद अफनान फ्रॉम नॉर्थ वज़ीरिस्तान रोहा जी मेरा नाम अहमद है रिबाहा अनम आपके नज़दीक पूरे एशिया में किंग कंट्री कौन सा है पूरे एशिया में अगर किंग कंट्री वैसे तो मैं पाकिस्तान का नाम लेती लेकिन क्यों? मैंने कहा वैसे तो मैं पाकिस्तान का नाम लेती लेकिन अगर पूरे एशिया की बात की जाए किंग कंट्री की तो मैं कहीं ना कहीं चाइना को कहूँगी क्यों उसमें ऐसी क्या खास बात है ख़ास बात है ना उनकी डेवलपमेंट पावर बहुत अच्छी है उन मतलब आप यहाँ से हिसाब लगा लें कोरोना डेज में पूरे दुनिया में वैक्सीनेशन किसकी गई चाइना की जाहिर है हम लोगों का दोस्त मुमालिक कौन है चाइना ही है मतलब हमारा हेल्पिंग हैंड चाइना हर चीज़ चाइना सबसे पहले करता है तो पूरे एशिया का किंग चाइना ही है ओह एशिया में पूरे एशिया में हाँ ओवरऑल आप किस कंट्री को किंग कंट्री कहती हैं या राइट सेम है पाकिस्तान इज क्यों या पाकिस्तान इज बेस्ट वी लिव हियर वी ग्रू हियर और इसके बारे में कोई ख़ास बात बताएं कि आपको पाकिस्तान ही क्यों लड़कियों को तो होता है भाई हाँ USA का हो अमेरिका हो ये हो इस टाइप के पैलेस पसंद होता है तो फिर आपको पाकिस्तान क्यों यार वो ना फिर मटीरियलिस्टिक वे में हम चले जाएंगे ऐसा नहीं है ठीक है UK हो गया US हो गया टर्की मुझे बड़ा पसंद है ठीक है बहुत लाइक बहुत पसंद है मुझे शौक है वहाँ जाने का तो मौका मिले तो मैं वहाँ भी जाना चाहूँगी क्यों क्या क्या उसमें खास बात है क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है भाई मैंने देखा हाँ भाई तुर्की का बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है क्यों भाई यार वो इतना वो ड्रामाज ने इतनी वो हाइप क्रिएट की हुई है कि भाई वहाँ वहाँ पे जाना है देखना इतना उन्होंने खूबसूरत दिखाया है दैट अप्लाइज टू पाकिस्तान टू कि पाकिस्तान को भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि लोग तरसे यहाँ पे आने के लिए जैसे इमरान खान ने कहा था कि वहाँ से लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो आई कंसिडर माई पाकिस्तान द बेस्ट जी उसका तो नहीं पता मगर मैं अपने मुल्क को किंग कहूँगा क्योंकि हमारा मुल्क है हमारा वी आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान क्योंकि अपने मुल्क को जो ये एक अच्छी बात है कि आपने मुल्क फ़ख्र करे अपने मुल्क को सपोर्ट करे तो इसकी खसूसियत बताइए अपनी कंट्री की मेरे ख्याल से तो सबसे खास बात आपको क्या लगती है पाकिस्तान की अच्छे मुल्क है क्या कोई सी खास बात बहुत सी बात है पाकिस्तान पूरे एशिया में आप किस कंट्री को किंग कंट्री कहती हैं इंडिया को क्यों क्योंकि वो बहुत तरक्की कर रहा है उसकी कोई खास बात 3 से 4 बात खास बात यह है कि क्रिकेट में अच्छे हैं अभी आप क्रिकेट का सवाल कर रहे हैं तो क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी इंडियन टीम बहुत अच्छी है क्रिकेट में और तो और अगर बात करें उनका बॉलीवुड बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे जा रहे हैं और डिफेंस में बहुत अच्छे जा रहे हैं और कुछ 4 चीज़ें आई डोंट थिंक सो आई फाइंड लाइक नो वन नहीं आपके नज़दीक में आप किस कंट्री को किंग मानती हैं मैं स्टिल किसी कंट्री को किंग नहीं मानती क्यों नहीं आई डोंट थिंक सो मैंने अभी शायद मैं इतनी वाकिफ नहीं हूँ पॉलिटिक्स से लेकिन जितनी मैं वाकिफ़ हूँ मेरे ख्याल में मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि बहुत ही एग्जैजरेट किए गए हों उसके हालात और मैं कहूँ यार वाह ग्रेट ठीक है चलें आप किसी को भी नहीं मानती किंग आपके नज़दीक कोई भी कंट्री किंग नहीं है सारे एमी हैं एमे नहीं है लेकिन ठीक है सब अपनी अपनी जगह ठीक है जी पाकिस्तान क्यों जी पाकिस्तान एक तरह की पज़ीर मुल्क है इंशाल्लाह जो न्यूजीलैंड आने वाला है इंशाल्लाह हम इसके बाद इसके हमारे मुल्क की ऐसी क्या खास बात है जिसको आप पूरा किंग कह रहे हैं कंट्री को जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है और अच्छे मुल्क क्योंकि आजकल इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया आने वाली भी है और साउथ अफ्रीका आने वाली भी है इंशाल्लाह
तो एक पाकिस्तान एक आजकल तरक्की पज़ीर मुल्क है इंशाल्लाह। तो वैसे अगर बात की जाए तो लीडिंग कंट्रीज़ की बात करूँ तो मैं आगे वो अमेरिका चाइना वही कंट्रीज़ हैं जो हमेशा से लीड कर रही हैं दुनिया को। अब समहाउ इंडिया भी सामने आ रहा है क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन के सामने आ रहा है। तो आई थिंक जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं या जो दुनिया के किंग्स हैं उसमें इंडिया का नाम भी शामिल होने वाला। तो इंडिया की कोई ख़ास बात बताएँ कि क्यों आप उसको किंग कह रही हैं? उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिया को हेल्प आउट कर सकती हैं। आपको पूरे एशिया में से किसी भी कंट्री में शादी करने का मौका मिले तो आप किस कंट्री के लड़के को प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही। क्यों पाकिस्तान को ही? क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही चाहूँगी कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है वो भी पाकिस्तानी हो। लेकिन होता है ना लड़कियों का ड्रीम, हाँ भाई हमने उस कंट्री जाना है, उस लड़के को पसंद करेंगे, वहाँ से शादी करेंगे, तो ऐसा आपका क्यों नहीं है? ड्रीम तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए मेरी आने वाली जनरेशन और मेरा जो बंदा है वो पाकिस्तानी ही हो, इस्लामिक हो और हम इस्लाम को ही लेके चलेंगे। हमें दूसरी कंट्रियों से क्या लगे, दूसरी कंट्रीज़ को इवन दैट चाहिए कि पाकिस्तान में आगे शादी करें, हम क्यों जाएं भाई, वी आर प्राउड पाकिस्तानी। अच्छा वैसे आपको कैसा लड़का चाहिए? हाँ भाई बंदा ऐसा होना चाहिए, आपकी माइंड सेट क्या है, कैसा होना चाहिए? मैं एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा तो नहीं करती लेकिन यह है जो भी हो जैसा भी हो अच्छा हो इज्जत करने वाला हो मेरी भी और मेरी फैमिली की, बाकी मैं उसको खुद ही सुधार लूँगी। यानी कि टेढ़ा लड़का भी हो तो आप सुधार लेंगी? टेढ़ा क्यों, अल्लाह माफ़ करे, सीधा ही होगा, बाकी रहती अभी आपने खुद ही तो कहा भाई सुधार लूँगी जैसा भी हो, मतलब उसकी आदतें सुधार लूँगी ना, टेढ़ा लड़का कौन सा होता है मुझे ये बताएं, कभी देखा कोई ऐसे करके लड़का, सीधा ही होते हैं लड़के भाई, दिमाग से तो टेढ़े होते ही हैं ना, दिमाग से भी टेढ़े नहीं होते, थोड़ा ऊपर वाला पोश। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंट्री, वाले से लड़का अच्छा होना चाहिए, बशे की तरह पाकिस्तान या लिबर्टी से ही मिल जाए, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं फिर भी होता है ना कि हाँ भाई माइंडसेट होता है कि इस कंट्री को हो ऐसा लड़का हो, ये चार्मिंग हो, प्रिंस चार्मिंग सब कुछ। अच्छा वो होता है ना फैंटेसी वर्ल्ड की बात करनी है, टर्की, आउटसाइड टर्की, क्यों वहाँ के लड़कों में ऐसी क्या खास बात है जो कि पाकिस्तान की नहीं है? ड्रामा उठा के देख लो कितने माशाल्लाह हैंडसम है, मतलब आई कांट सी एनीवन हियर। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे नहीं है? बस टर्की में है, बट टर्की में बहुत हैंडसम माशाल्लाह, बहुत हुसन है कि खांदे हो तो सी दसों मिलूंगी टर्की। आपका माइंड सेट है कि आपकी शादी हो अगर आप चाहते हैं तो टर्की के किसी लड़के से हो? या प्रोबेबली है कोई तो बताइएगा प्लीज। चलो ठीक है, जो भी कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं ना इनसे कर लें, कोई है लड़का तो बताए भाई। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमारे लिए चाहिए कि अपने मुल्क की लड़की के साथ शादी करें क्योंकि अपने मुल्क की लड़की जो होते हैं ना वो कैसी होती है? जी आपको पता है, आप डिपेंड करते हैं। नहीं मुझे नहीं पता ना, आप बताएं कैसी होती है? हैंडसम होती है। हैंडसम होती है, वाह लड़कियां भी हैंडसम होने लग गई हैं। चलिए अच्छा बताएं कैसे हैंडसम होती है, क्या होती है उसमें खास बात? जी बिल्कुल, आप तो खुद जानते हो क्योंकि आप खुद लड़की हो, आपको पता होगा कि ये कैसे डिपेंड करते हैं। नहीं आप मुझे बताएं ना, आवाम को भी तो जानना है ना। जी जी बिल्कुल, ये तो बात है अपने मुल्क की लड़की, इसलिए मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं अपने जो वज़ीरिस्तान के इलाके की उसके साथ शादी करूँ क्योंकि उसके साथ जान पहचान होगा, ताल्लुकात होते हैं इसके साथ। वैसे आपको लड़की चाहिए किस टाइप की ये भी बता दें। जी मुझे तो लड़की चाहिए हैंडसम भी हो, हैंडसम हो और स्मार्ट भी हो, स्मार्ट भी हो। जी जी और बस अमृत का इज्जत करना चाहते हैं तो फिर अमृत का इज्जत आता है तो फिर उसके साथ शादी करना है। सही जो अल्लाह ने दे दिया। नहीं होता है ना कौन से, अगर आपको चांस मिले कि हाँ भाई इस कंट्री के लड़के से शादी तो आप किस कंट्री को प्रेफर करेंगे? अच्छा होना चाहिए। किस कंट्री के लड़के को प्रेफर करेंगी? मैं बता तो रही हूँ कि अच्छा हो कोई भी कंट्री का हो। अच्छा तो फिर भी होता है ना कि हाँ भाई इस कंट्री का होना। देखो मेरी बात सुनो, हम सोचते तो बहुत कुछ हैं ठीक है, और मतलब मैं यही सिर्फ एक चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, अच्छा हो चाहे वो पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री, मतलब मुझे इसका कोई वो, मतलब आपने कुछ भी नहीं सोचा हुआ कि हाँ भाई इस कंट्री का होना चाहिए? नहीं मैंने ये चीज़ें नहीं सोची। देखिए मैं मेरे ख्याल में जहाँ पर रहती हूँ ना मैं पाकिस्तान वाले को ही चूज़ करूँगी। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे यहाँ के तौर तरीके पता है, मुझे पता है कि यहाँ के लड़के कैसे हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं, वो कैसे माहौल में पले बड़े होंगे, वो कैसे रहते हैं। अगर मैं बाहर से किसी को लाती हूँ ना, पता नहीं उनकी क्या रिवायात हैं, क्या ट्रेडिशन है, उनके यहाँ मज़हब का क्या सीन है, उनके यहाँ किस तरह से त्यौहारों को मनाया जाता है, मुझे यहाँ का बेटर पता है तो मैं डील ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तो वैसे आपको किस टाइप का लड़का चाहिए? हाँ भाई ऐसा हो, पर्सनालिटी हो, भाई पढ़ा लिखा ये, या
किस टाइप का? एक कहावत है कि दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो अगर मेरा दिल आ गया किसी पे तो फिर जाहिर है उसकी पर्सनैलिटी आपको ना वैसे ही अच्छी लगने लग जाती है। आप फिर नहीं देखते कि यार इसका कद लंबा है, कद छोटा है या मोटा है या नहीं। इसमें ना आपने सोचा हुआ कि हाँ भाई लव मैरिज करनी है? हाँ। अच्छा, तो फिर मतलब और भी कुछ सोचा होगा उसके बारे में कि हाँ भाई इमेजिन करती है ना लड़कियाँ, हाँ भाई ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो फिर आपने कैसा किया है? देखिए छोटी एज में ना, टीन एज में हर लड़की इमेजिन करती है यार वो प्रिंस चार्मिंग की तरह कोई आएगा, मेरी तो लाइफ ही बदल जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जब्त करनी पड़ती हैं। तो मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में ये नहीं सोचा कि यार ऐसा लड़का हो फिर हम यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ हनीमून, ये बिज़नेस बहुत अमीर होगा या गरीब। क्योंकि जब आपको लड़कियाँ जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोच लेती हैं ना, फिर जब उन्हें किसी भी तरह का लड़का मिलता है ना, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि यार मैंने तो किसी और, अब अगर वो अच्छा भी है ना लड़का, तब भी क्योंकि उनकी थॉट्स के मुताबिक नहीं है जो उन्होंने सोचा हुआ था। अगर किसी ने सोचा यार गोरे रंग वाला लड़का है, अब लड़का परफेक्ट है लेकिन उसका रंग काला है, तो लड़की कहेगी यार ये काला है। तो इतनी ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग ना करें, ना इतना ज़्यादा सोचें, जो मिलेगा ठीक ही है इंशाल्लाह। मेरे तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्यों, उसमें क्या है, वहाँ की लड़की में क्या खास बात? जी मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं स्टार बनूँ, पाकिस्तान का स्टार बनूँ, और इसके बाद मैं जो शादी करता हूँ न्यूजीलैंड की लड़की से शादी करता हूँ। कैसी लड़की चाहिए आपको और न्यूजीलैंड की ही क्यों? जी मेरी तरह स्मार्ट हैंडसम लड़की चाहिए मुझे। स्मार्ट और हैंडसम लड़की? वाह, स्मार्ट और हैंडसम लड़की होती है? मुझे तो लगता था कि शायद लड़के हैंडसम होते हैं, लड़कियां भी स्मार्ट और हैंडसम होती हैं। वाह, क्यों नहीं होते, जैसा कि लड़का होते स्मार्ट होता है, लड़की भी स्मार्ट होती है, क्यों नहीं? ग्रेट। ऑब्वियसली पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि मेरा होम लैंड है तो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तानी को प्रेफर करूँगी। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।